नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। दरभंगा में एक हिंदू परिवार ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। परिवार का आरोप है कि उनके गांव में सारे मुस्लिम परिवार है, अकेला हिंदू परिवार उनका है, इसलिए धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता है। युवक विक्की कुमार ने डीएम के पास इसकी शिकायत की है। विक्की का कहना है कि उन्हें लगातार धमकाया जाता है ताकि उसका परिवार गाँव घर छोड़कर भाग जाए। घर के अंदर आपत्तिजनक सामान फेंके जाते हैं। उसके परिवार को कहा जाता है कि अगर गांव में रहना है तो मुस्लिम धर्म कबूल करना होगा। मारपीट भी की जाती है। विक्की का कहना है कि सभी की नज़र उनकी ज़मीन पर है, परिवार को वहां से भगाकर उनकी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। पूरा मामला जिले के भालपट्टी ओपी थाना इलाके के मुरिया गाँव का है। राजन देवी ने अपने बेटे विक्की के माध्यम से दरभंगा के जिलाधिकारियों को आवेदन दिया है। आवेदन में कहा है कि मैं प्रताड़ना से तंग आकर धर्म परिवर्तन करने जा रही हूं। मैं सभी अधिकारी के पास 3 साल से जा रही हूं, हमारी मदद कीजिए। कोई अधिकारी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, सभी सिर्फ आदेश देते हैं। अपनी निजी ज़मीन पर सभी बाउंड्री नहीं करने दे रहे। अब मुझे लगता है कि हमारे संविधान में हिंदू को रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए सभी अधिकारी हमें घुमा रहे हैं। विक्की का कहना है कि जमीन हड़पने की नीयत से अक्सर मारपीट की जाती है। 23 अक्टूबर को मेरी मां के साथ मारपीट की गई। मामले पर डीएम के हस्तापेक्ष के बाद एफआईआर दर्ज हुई। पहले थाने ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकल पुलिस पैसा लेकर आरोपियों की ही मदद कर रही है। इस मामले में डीएम राजीव रोशन ने कहा कि एक युवक इस संबंध में हमसे मुलाकात करने आया था। आवेदन प्राप्त होने के बाद जांच के लिए सदर अनुमंडल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि तुरंत गांव पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा देना प्रशासन की जिम्मेदारी है, कोई इस तरह का कार्य करेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद का लगता है, जाँच के बाद सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।